आज हो गया है 29 अगस्त और हम आ गए हैं फिर से लोडिंग पे। इस बार पताका भूटान में लोड कर रहे हैं, तो यहीं से लोडिंग होगा ऊपर से। ये देखिए यहीं पर माल रखा हुआ है, यहीं से लोडिंग होगा। और सामने में एक नदी बह रहा है और ये देखिए मस्त नज़ारा, अलग ही पहाड़ के बीच में नदी बह रहा है। यहीं पर देख के रहा नहीं गया, हम पहले आ गए यहाँ पर। जैसे पहुँचे पहले यहीं आके आ गए, पानी वानी से मुंह धो लिए, टॉयलेट कर लिए, मज़ा आ गया दोस्तों। अब चलते हैं ऊपर, लोडिंग वोडिंग कराते हैं, उसके बाद टाइम मिलेगा यहीं पर नहा लेंगे, तो मज़ा ही आ गया देख के। आप लोग ये देखिए कितना मस्त नज़ारा है, कमेंट में बताइए कैसा नज़ारा आपको देखने के लिए मिला है कि नहीं। और ये सब नज़ारा देखने के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो ये सब नज़ारा दिखता रहेगा। बाकी बात है, गरीब ब्लॉगर है, थोड़ा मोड़ा लेट होता है, क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर बाद और दिखाते हैं आप लोगों को लोडिंग और प्लस में भूटान का नज़ारा। तो चलिए, हम तो फ्रेश हो गए, अब हमारा साथी जो है बाबूलाल, वो उसको बोल देते हैं तुम भी फ्रेश हो जाओ, क्योंकि सुबह उठ के डायरेक्ट हम लोग इधर ही आ गए। और ये देखिए हमारा गाड़ी लगा हुआ है और यहीं से लोडिंग होगा। और ये देखिए नज़ारा, तो इधर तो आते थे, खाली करने के लिए आते ही थे, लेकिन लोडिंग करने के लिए पहली बार आ रहे हैं। तो लोडिंग वोडिंग करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। चलो जा, फ्रेश होगा, फ्रेश हो गया तो पहले से फ्रेश हो गया है। चलिए हम भी फ्रेश हो गए, मज़ा आ गया फ्रेश होके। चलिए मिलते हैं आप लोगों से बाद में, बाय बाय। है दोस्तों, ये नदी देख के तो रहा नहीं गया, तो सुबह सुबह ही नहाने का फैसला कर लिए और आ गए हम नदी में। ये देखिए क्या नदी है, ठंडा ठंडा पानी है, इसमें नहाएंगे दोस्तों। ये देखिए गाइस कितना बह रहा है पानी, इसमें नहाएंगे हम। वीडियो बाय बाय। दोस्तों टाइम हो गया है 12 और हम बना लिए हैं अपना खाना, तो नहीं बनाया है, नाश्ता बना लिए है। तो ये देखिए मैगी बना लिए है, वो भी ज़्यादा ज़्यादा करके, जो कि खाने का बराबर ही है। तो आए थे दोस्तों पहाड़ में, और पहाड़ में आए हैं तो मैगी ना बने तो ऐसा थोड़े ना चलेगा, इसीलिए खाना को त्याग दिए और मैगी बना रहे हैं। मतलब मैगी बन ही गया, अब मैगी का मज़ा लेना है और नज़ारा का मज़ा लेना है। ये देखिए, तो ये मज़ा लेते लेते मैगी खाना है, तो चलिए खाते हैं मैगी। और एक गिर गया, चलिए मिलते हैं बाद में, पहले खाने का आनंद लेते हैं। चलिए बाय बाय। ये दोस्तों टाइम हो गया 4:30 और लोडिंग हो गया स्टार्ट। सुबह से जो ऑफलाइन है उसमें डीजल वीजल था नहीं, बहुत सारा काम वाम किया, क्या क्या किया पता नहीं, तो हम लोग नाश्ता वास्ता करके जो वही सो गए थे। और सोने के बाद अभी उठ के देख रहे हैं, अभी डीजल आया और स्टार्ट किया है लोडिंग। तो ये देखिए लोडिंग स्टार्ट कर रहा है, एक गाड़ी देखिए जा रहा है उधर से, लोड करके उधर से ही जा रहा है। देखिए वो वाली ये वाली लोड करके गई है अभी यहाँ से, और एक लोड हो रहा है, उसके बाद ये लोड होगा, उसके बाद हमारा लोड होगा। तो फटाफट लेट तो हो गया है, फटाफट लोडिंग कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलिए मिलते हैं लोडिंग कराने के बाद, बाय बाय। हे दोस्तों टाइम हो गया है 5 और हमारा गाड़ी लोडिंग स्टार्ट हो गया है। ये देखिए अभी अभी स्टार्ट हुआ है, 5 बजे का टाइम, लेट हो गया ज़्यादा,
खुले वादियों के बीच में हम लोड कर रहे हैं दोस्तों, मजे ही मजे हैं। ये देखिए, चलिए फटाफट लोड कराते हैं और मिलते हैं आप लोगों से बाद में, जब खाना वाना कर लेते हैं बाद मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। है दोस्तों, टाइम हो गया है 8, माल वाल ओके हो गया है हमारा, अब डीजल ले रहे हैं। ये देखिए, भूटान में डीजल ले रहे हैं क्योंकि सस्ता है यहाँ पर, 65 रुपया 54 पैसा सस्ता है तो बोल के यहाँ ले रहे हैं। फुल करा देंगे टैंकी और उसके बाद पेपर पर मिलेगा, उसके बाद चलते रहेंगे। बाकी देखिए, उधर जितना लाइट दिख रहा है सारा पहाड़ है, पहाड़ में ही घर है, भूटान तो पहाड़ों का ही देश है। ये देखिए, उधर थोड़ा थोड़ा लाइट दिख रहा है, सारा घर है। तो चलिए कॉल कराते हैं और उसके बाद देखते हैं पेपर कब तक मिलता है। चलिए, बाय बाय। है दोस्तों, टाइम हो गया है 11:20 और हमारा जितना पेपर वेपर का वर्क था सब ओके हो गया है, पेपर भी मिल गया है, बिल्टी भी मिल गया है, खर्चा भी मिल गया है और खाना भी खा लिए हैं। अब बस चलते रहना है, देखिए कहाँ तक जा सकते हैं, वहाँ तक चलेंगे, नींद लगेगा सो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, खाना हमने खा लिया है, बस चलते हैं और मिलते हैं रास्ते में। चलिए, बाय बाय।